ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, देवाधिदेव महादेव की दानवीरता के प्रसंग आपने वेद पुराणों के माध्यम से सुने, पढ़े व देखे होंगे, परंतु आज मैं आपको वो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान शिव को दानियों का दानी व भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। ये कहानी एक चोर की है, तो भक्तों थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। चोर रहा करता था। भक्तों, छोटी मोटी चोरियां कर अपनी बीमार माँ व छोटी बहन का लालन पालन किया करता था। समय व्यतीत हो रहा था, उसकी माँ का रोग बढ़ता ही जा रहा था। सारे वैद्य हकीम जवाब दे चुके थे, अब जरूरत थी तो उसे किसी बड़े अस्पताल की जिसमें वो अपनी माँ को भर्ती करवा सके। चोरी की गई धनराशि वह छोटे मोटे गहने देखे तो पाया इस धनराशि से तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैया की हालत देखो, दिनों दिन बिगड़ी जाए, वैद्य और हकीम हारे, रोग पकड़ा ना जाए, वैद्य और हकीम हारे, रोग जाने क्या सोचकर सड़क पर निकल पड़ा। सोचता था कि इस छोटे से नगर में तो कोई ऐसा धन्ना सेठ भी नहीं है जिसके घर चोरी करके माँ का इलाज करवा सकूं। मार्ग में आगे जाते ही वह देखता है कि नगर के बीचों बीच बने शिव मंदिर में आज खूब रोशनी व साज सजावर है। कौतूहलवश मंदिर में आता है तो क्या देखता है कि मंदिर में भंडारा चल रहा है। भगवान शिव के भजन कीर्तन में भक्त झूम रहे हैं। पूछने पर उसे पता चलता है कि दूसरे नगर से कोई है बड़ा सेठ तो आया, 1.25 किलो सोने का तो उसने घंटा है चढ़ाया, इसी मंदिर से
बार भोलेनाथ का जयकारा लगाया। बोला, वाह, भगवान का 1.25 किलो का सोने का घंटा चोरी कर बाजार में बेचूंगा तो अवश्य ही इतना धन एकत्रित हो जाएगा कि उससे मैं माँ का इलाज व बहन का विवाह भी धूमधाम से कर दूंगा। यही सोच भंडारा खाकर वह मंदिर में कोने में छिप गया और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। सोचा, रात न जाने कितनी देर हो जाए, इसलिए उसने एक बोतल पानी भी अपनी कमरबंद में बांध लिया। मन ही मन प्रसन्न होकर रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। सोने का घंटा चुरा के बाजार में बेचने जाओ, उन्हीं पैसों से माँ का इलाज तो मैं करवाऊ, उन्हीं पैसों से माँ का इलाज तो मैं करवाऊ, फिर जो पैसा बच जाए बहन ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर वो घंटा चढ़ा हुआ था। हाथ उठाकर उतारने का प्रयत्न किया तो पाया कि घंटा थोड़ी ऊंचाई पर है। उछल उछल कर घंटा पकड़ने का प्रयत्न करता है और ऐसे में कमर से बंधे पात्र से थोड़ा थोड़ा पानी शिवलिंग पर गिरता जाता है। सारे प्रयत्न कर हार गया परंतु घंटा नहीं उतर पाया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना शिवलिंग पर पैर रख उस पर चढ़ जाऊं तो शायद घंटे तक पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर उसने वह कार्य कर डाला भक्तों, जो कोई सनातन प्रेमी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। उसने शिवलिंग पर एक पैर रखा, फिर दूसरा, और वो घंटे तक पहुंच गया। वह घंटा उतारने ही लगता है कि जोर की बिजली कड़की, जोर से बादल गरजे, रोशनी तेज है आई, देखो फिर तो शिवलिंग से, रोशनी तेज है आई, देखो फिर तो शिवलिंग से, लिंग से प्रकटे उड़ गए। साक्षात भोलेनाथ को समझ देख उसने सोचा, शिवजी रुष्ट हो गए हैं और अब उसकी मृत्यु निश्चित है।
यह सोचकर वो क्षमा याचना हेतु शिवजी के चरणों में गिर गया। परंतु ये क्या, शिवजी ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी अविरल भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त तो केवल दिन में ही मुझ पर जल चढ़ाते हैं, परंतु तूने मुझ पर रात्रि को भी जल चढ़ाया। मेरे भक्त तो मुझ पर दूध, दही, शहद, घी, मेवे, फल, फूल, मिठाई इत्यादि चढ़ाते हैं, परंतु तूने तो साक्षात स्वयं को मुझ पर चढ़ाकर अपना स्वस्थ मुझ पर समर्पित कर दिया। मांग, क्या मांगता है? चोर को काटो तो खून नहीं, मांगता भी तो क्या? बोला, भगवान, मेरी माँ का रोग चंगा कर दो तथा मेरी बहन का विवाह धूमधाम से करा दो। शिवजी ने अति प्रसन्न होकर उसे यह वर प्रदान किया और बोले कि चोरी करना पाप है, परंतु तूने चोरी अपनी माँ व बहन के कल्याण के हित की, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। जा, आज से तेरी वाणी में सरस्वती का निवास होगा और अब से तू चोरी छोड़कर मेरा भजन कीर्तन करना, तुझ पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। और मेरा यह संदेश दुनिया को भी देना कि मैं सोना, चांदी, हीरे, मोती, मेवे, मिठाइयों का नहीं अपितु भाव का भूखा हूँ। ये कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। चोर भी अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो दौड़ा दौड़ा घर आया और घर आकर उसने देखा कि माँ भली चंगी थी। थोड़े दिनों में बहन का विवाह भी धूमधाम से हो गया। चोर जीवन भर भोलेनाथ के गुण गाकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरी बोले शिव शंकर, भाव के केवल भूखे, खुद रहे हाल फकीरे, दूजों को धन है बांटे, खुद रहे हाल फकीरे, दूजों को धन है बांटे, जो लोटा जल का चढ़ाए, जो चंदन तिलक लगाए, उसकी कृपा।